मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा संत समागम आयोजित हो रहा है, जिसमें हजार से ज्यादा साधु संतों की मौजूदगी दर्ज हुई है। आइए इसी बारे में जानकारी लेते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता राकेश शर्मा से। जी राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो समागम वहां पर चल रहा है, क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है इसे लेकर? देखिए निधि, भोपाल के मिंटो हॉल में आध्यात्म मंत्रालय की ओर से संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इस समागम में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश भर के अलावा देश भर के भी जो संत हैं वो भोपाल आए हुए हैं। यहाँ एक दिन पहले से ही संतों का जमावड़ा शुरू हो गया था, भोपाल आने का सिलसिला शुरू हो गया था, और इनको संतों को ठहराने के लिए 3 धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई थी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल के मिंटो हॉल में जो संत समागम होने जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ, धर्मस्व मंत्री और जनसंपर्क विभाग का भी जिम्मा जो संभाल रहे हैं पीसी शर्मा के अलावा, जो अन्य कंप्यूटर न्यास के जो अध्यक्ष हैं कंप्यूटर बाबा, ये भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि करीब इसमें 1000 मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्मदा न्यास के जो अध्यक्ष हैं कंप्यूटर बाबा, ये उनकी अगुवाई में पूरा सम्मेलन समागम का आयोजन हो रहा है। इसमें करीब 1000 संतों का समागम हो रहा है। और इसके अलावा ये इसमें इस समागम में संत समाज जो है अपनी बात जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने रखेंगे और वो मुख्यमंत्री इनसे अपनी अपेक्षाएं भी साझा करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समागम में हर जिले से 10 से 25 संतों को बुलाया गया है। और ये जो समागम के बाद जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें शाम 5 बजे के बाद जो सर्वदर्शन समिति की जो बैठक हुई है, कल हुई है ये सर्वदर्शन समिति की, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें भी संत समागम जो है सरकार के सामने रखेगा। और सरकार ने जो पवित्र नदियों के संरक्षण का जो काम नर्मदा न्यास को सौंपा गया है, ये तमाम जो बातें हैं संत समागम में सामने आएंगी और जो भी अनुभव हैं साझा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे और तमाम तरह की जो बातें हैं धर्मस्व विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं संत जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। जी राकेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।